तक कोविड की बात है आप प्लीज किसी टाउट का किसी एस्टेब्लिशमेंट टाउट का आप खुद सेलेक्टेड मीडिया ना बने अगर आप उनका जो टॉकिंग पॉइंट्स है वो दोहराएंगे आप सब जानते हो कि जान तक कोविड की बात है हमारा नियत क्या है अभी मैं सुन रहा हूं कुछ फोन पे है कह रहा है कि वो स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज लिया गया है वो इस्तेमाल ना करें अब देख लेख ले, देख ले ये किस किस्म का आजादी है और कल हम आजादी मनाएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि की वफा की दारुल हुकूमत कराची पर कब्जा करना चाहती है और हमें कॉलोनी बनाना चाहती है अगर ये ये हुकूमत, वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं तो ये गैर आइनी होगा गैर क़ानूनी होगा और अगर ख़ुदा न था इन गैर आइनी गैर आइनी कब्ज़े को किसी न किसी तरीके से अदालती कवर दी जाएगी तो फिर एक जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती क़त्ल हुआ था बहुत ही बड़ा हमला था और ये एक बार फिर इस धरती पे हमला होगा हमला होगा और जिस तरीके से अगर हमारा हक تحفظ नहीं होगा तो फिर नुकसान पूरा पाकिस्तान को होगा सिंध असेंबली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पीपीपी ने कहा कि पानी सैवेज समेत तमाम मसाइल की वजह एनएफसी में صوبوں का हक ना मिलना है अच्छा वो आपका ड्रेनेज हो क्या वो आपका सरेज हो चाहे वो आपका कचरा हो उस सारा उस सारे मिसाइल का जर आपको आपका एन एफ सी का हक मुसलसल मुसलसल नहीं मिलने का नतीजा है सूबे में तारीखी बारिश के मानसून जो दस साल बाद हमें नहीं देखेंगे जो पूरा सूबा में मेरे आवाम के लिए मिसाइल खड़े किए हैं हम सब एक नेशनल डिजास्टर के थ्रू गुजरे हैं हम बहुत शुक्रगुजार हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का देर आए दुरुस्त आए आए तो सही और हम मिल के जिस तरीके से इस जिस हद तक अपने मिसाइल के थ्रू मुकाबला कर सकते थे आ, कर, आ, कर भी दिए थे और आगे जाके भी इन शाह करेंगे पिशावर बस रैपिड ट्रांसिट पर बात करते हुए बिलावल का कहना था कि बीआरटी मंसूबे की अफ्ताह कर रहे हैं ये वो मनसूबा है जिसके लिए पख्तून खाक का हकूमत का अपना सी एम आई टी की जो कमेटी होती है उसने कहा कि इसमें अरबों रुपए का किक पैक्स है पिशावर हाईकोर्ट ने कहा इस पे नैब इन्वेस्टिगेट कीजिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिलवा दिया फिर पिशावर हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईए इसका तहकीकात इसका तहकीकत करें सुप्रीम कोर्ट का स्टे हो गया जैसे पिशावर हाईकोर्ट हुक्म देता रहा एफ आई ए हो नैब हो सबको इन्वेस्टिगेट भी करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर है उसको भी उठना चाहिए और जो इनमें इन्वॉल्व है जो आज वफाकी वजीर है माजी में या इस सूबा या दूसरा सूबा से में कोई पी टी आई के लिए कोई पी टी आई की हुकूमत के लिए काम कर रहे थे उन सबको फौरन गिरफ्तार करना चाहिए